लव सेक्स विवाह परे प्रतारणा दुई मासर गर्भवती महिला न्याय पाई थाना रे द्वारस्थ हैदराबाद रु आसी सोरो थाना रे लिखित अभियोग कले युवती हैदराबाद रो एक रेस्टोरेंट रो गढ़ी उठे प्रेम ओडिया पुओ को बिहारी छियो रेस्टोरेंट रे काम करु करु दुही दुही को मन दे बसिले किछि दिन परे शारीरिक संपर्क परे विवाह ବିବାହର ଠିକ୍ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। मैं बिहार से हूँ, होटल में भी हम लोग साथ में जॉब करते थे। अविनाश मेरे को पहले से बोलता था, मैं इससे बात भी नहीं करना चाहती थी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बोला, बहुत ज़्यादा किया। तो मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी इससे इम्प्रेस हो करके फिर इसके साथ में बात करना शुरू किया। फिर 5 मंथ हम लोग रिलेशन में रहे और उसके बाद फिर ये बोला कि चलो शादी कर लेते हैं। उसके बाद शादी करने के बाद फिर ये 23 दिसंबर को शादी किया ऐसे। उसके बाद 20 जनवरी को कोर्ट मैरिज किया मेरे साथ। 4 तारीख के रात में लेके आया, 2 बजे नाइट को मेरे पास आया, मुझे बोल रहा है कि हमको भी अकेला मन नहीं लग रहा है, तो कल हम लोग पर्सनल रूम देखते, क्योंकि स्टाफ रूम में साथ रहने के लिए नहीं देता है। 2 बजे रात को धोखा इसको नहीं बोल सकते, इसको फ्रॉड बोल सकते हैं हम लोग। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସୋର ଥାନା ସବିରା ଅଞ୍ଚଳର ଅବିନାଶ ପରିଡ଼ା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପରେ ଉଭୟ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 20 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଅବିନାଶ ଯୁକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ, କିଛି ଗହଣା ଓ ନଗଦ 60,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ବହୁବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେବାରୁ ସୁଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୋର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। दो मंथ की अभी प्रेगनेंसी है मेरी और उसके मम्मी पापा इसमें मिले हुए हैं। उसके मम्मी पापा उसको बोल रहे थे, वो मुझे बोल रहा था कि मेरे मम्मी पापा बोले थे इससे पहले शायद वो किसी लड़की के साथ ऐसा किया था, तो वो बोला कि मतलब मुझे सारा पेपर वगैरह दिखाया, तो उसका डिवोर्स वगैरह हुआ था, वो लड़की FIR की थी इसके ऊपर, तो शायद उस टाइम में इसके भैया 2 लाख रुपया दे करके सब कुछ को ठीक करवाए थे। उसके बाद फिर से किए, उसके बाद जब मेरी इसकी भाभी से, अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, उसके साथ रहना है, मुझे उसके घर में रहना है, हाँ चाहे जैसे रहे। और अब कोई बोल रहा है कि वो दूसरा शादी कर लिया क्या, कुछ भी करे, बस मुझे उसके साथ रहना है, उसके घर में रहना है। 2 लैपटॉप है मेरा उसके पास, एक HP का, एक ये सोनी का मंगलसूत्र है, मेरा इयररिंग्स है और मेरा फ़ोन लेके चला गया है। वो मेरा डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, सारा कुछ उसके पास है। और लड़का यही सबीरा का है, सोरो थाना सबीरा का। और वो मुझे धमकी इतना तक देता था कि उड़ीसा जाने से ना लोग को काट दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, फिर भी मैं हिम्मत करके आई हूँ। सोरो पुलिस युवती जनों को सुधार गृह में रखा सहित अभियोग मिले घटनार तदंत कर सूचना रही। सोरो गयाधर साहू रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।